अस्सलाम वालेकुम, हम कंटिन्यू कर रहे हैं टारगेट पेपर बाय सरमनीत के एमसीक्यूज़। पिछली वीडियो में पार्ट वन में मुझसे ये एमसीक्यूज़ रह गए थे, तो उसको जल्दी से देख लेते हैं। टोटल नंबर टोटल लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी जो होती है 128 डेज होती है, बुक में लिखा हुआ है, पेज नंबर 352 पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। उसके बाद द ब्लड क्लॉटिंग इज़ इनिशिएटेड बाय, तो वो इनिशिएट होती है प्लेटलेट से। मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली प्लाज्मा के कुछ प्रोटीन्स होते हैं वो इनिशिएट कराते हैं, लेकिन हम अपने लेवल पर आपके लेवल तक बात करें तो प्लेटलेट्स ही राइट आंसर है। उसके बाद है नाइट्रोजनस बेस नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, तो वो होता है थायमीन। उसके बाद स्पोरोजोअन्स डिजीज कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड कोकाइडायोसिस विच इज़ फाउंड इन, तो वो होता है पोल्ट्री के अंदर। ये वाली चीज़ आपको लिखी मिल जाएगी पेज नंबर 125 के ऊपर, स्पोरोजोअन की हेडिंग के अंदर ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 66 से कंटिन्यू करना था, सवाल था एक्सक्लूसिवली मरीन इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल बिलोंग टू दिस फाइलम, तो ये होती थी करेक्टरिस्टिक्स इकाइनोडर्म की। उसके बाद था एम्फीबियंस आर, तो ये होते हैं पोर्किलोथर्म्स जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते किसी कांस्टेंट लेवल पर, ठीक है। इसी तरह से जो बर्ड्स होती हैं वो होमियोथर्म्स होती हैं, वो मेंटेन करते हैं अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंटली इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल टेम्परेचर जो भी होता है, वो उनकी बॉडी टेम्परेचर को इफेक्ट नहीं करता था। उसके बाद था ट्रिप्सिन एंजाइम इज़ प्रेजेंट इन, तो वो प्रेजेंट होता है पैनक्रियाटिक जूस के अंदर, और जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो गैस्ट्रिक जूस के अंदर। आपको याद होना चाहिए एंजाइम कौन से कहाँ प्रेजेंट थे, ठीक है। उसके बाद थे विलाय एंड लैक्टियल्स आर प्रेजेंट इन, तो ये वाला सवाल पहले भी कहीं रिपीट हुआ था, और इसमें जो है वो देखें विलाय और लैक्टियल जो होते हैं ना वो पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। आपकी बुक में भी ये वाली बात लिखी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, विलाय होती हैं, उसका एक कोर सब्सटेंस होता है जो कि लिम्फेटिक एक वेजल्स होती हैं जिनको लैक्टियल्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन देना जो है वो मेरे ख्याल से सही नहीं था, लेकिन अगर फिर भी हमें इन तीनों में से कोई एक चूज़ करना है तो हम इस बेसिस पर जेजनम को चूज़ कर लेंगे, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे ज़्यादा पार्ट बना रहा होता है वो जेजनम बना रहा होता है, सिर्फ इस बेसिस पर नहीं। तो विलाय और लैक्टियल्स अगर सिर्फ उनकी प्रेजेंस की बात करें तो वो पूरे ऑल द वे होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिसके अंदर ड्यूडेनम जेजनम और इलियम तीनों आ जाता है, ठीक है। तो हम इसलिए यहाँ पे जेजनम चूज़ कर रहे थे। उसके बाद है ग्लूकोज इन लिवर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो वो होता है ग्लाइकोजन की शक्ल में, आसान था। उसके बाद है लंग्स आर इनक्लोज्ड इन, तो मैं बता चुकी हूँ पेरिकार्डियल कैविटी में जो है हार्ड इनक्लोज्ड हुआ है, थोरेसिक कैविटी के अंदर लंग्स होते हैं, इनक्लोज्ड होते हैं बाय प्लूरल सैक्स। उसके बाद था इन अर्थ फॉर्म मॉइस्चर इज एब्जॉर्ब बाय द म्यूकस सेक्रेटेड फ्रॉम दी, तो म्यूकस सेक्रेटिंग जो होते हैं वो गॉबलेट सेल्स होते हैं, वाली बात लिखी हुई है बिल्कुल बुक की लाइन है, पेज नंबर 313 पे आपको लिखी हुई मिल जाएगी। उसके बाद था ऑल द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एक्सेप्ट, ये सवाल रिपीट हुआ है, पल्मोनरी आर्टरी होती है। उसके बाद था गैस्ट्रोपॉड नहीं होगा, गैस्ट्रोजॉइड्स था, वो हेल्प करते हैं न्यूट्रिशन के अंदर। टेक्टाइल मोशन जो था वो टेक्टाइलोजॉइड्स थे, रिप्रोडक्शन जो था वो गोनोजॉइड का फंक्शन था, वो जो साइनिडेरियन कॉलोनी थी उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं एक साथ मिलकर, तो वो कहलाते थे जॉइड, ठीक है। तो उसमें गैस्ट्रोजॉइड न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहा था। उसके बाद था पेसमेकर इज द कॉमन नेम ऑफ, तो पेसमेकर होता है SA नोड यानी साइनो एट्रियल नोड का कॉमन नेम होता है। फिर था सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज कंट्रीब्यूटेड बाय द सेकंड फैमिली ऑफ लिम्फोसाइट्स कॉल्ड, ये भी बुक की लाइन है, टी सेल्स, यानी कि जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी उसकी हेडिंग में आपको लिखा मिल जाएगा, और टी सेल्स होते हैं। जो ह्यूमरल इम्यूनिटी थी वो बी सेल्स कंट्रीब्यूट करते थे। द हॉर्मोन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम आर कॉल्ड, तो वो कहलाते हैं साइटोकाइंस, पेज नंबर 370 पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा साइटोकाइंस की हेडिंग में कि वो इम्यून सिस्टम के हॉर्मोन्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रा सी एन एम एन एंड कॉरल्स अकर ओनली इन डैश फॉर्म, तो वो होते हैं सिर्फ पॉलीप फॉर्म में। अच्छा, यहाँ से 80 से लेके 99 तक एंड के जितने भी सारे एमसीक्यूज हैं वो सारे के सारे सेम हैं, जो कि आदमजी कोचिंग सेंटर का मैंने पेपर कराया था उसके अंदर सारे यही थे, तो इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। इसके मैं सिर्फ आंसर जो है वो जल्दी से डिस्कस करती जाऊँ, किसी ने सही से सुनना है, एक्सप्लेनेशन सुननी है इसकी, तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो उसके बाद अगला था सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर एनिमल्स आर, तो जो सिंपलेस्ट एनिमल्स होते हैं वो स्पॉन्जेस होते हैं, बुक में पॉलीफेरा के फाइलम में ये चीज़ लिखी हुई है। उसके बाद था रेडियल सिमेट्री इज एग्जिबिटेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, रेडियल सिमेट्री आपको याद रखनी है दो के अंदर होती थी, साइनिडेरियन और इकाइनोडर्म्स के अंदर। तो यहाँ पे मेड्यूसा पॉलीप जो होते हैं साइनिडेरियन की बॉडी फॉर्म होती है, जेली फिश उसी की एग्जाम्पल होती है, स्पॉन्ज यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, जो कि नहीं होता। उसके बाद था मॉलिस्कंस आर कॉमनली नोन एज, तो वो कहलाते हैं सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स, शेल्ड एनिमल्स भी होते हैं, लेकिन ऑप्शन डी में वही वाली बात कि ए और बी लिखा हुआ है, तो बोथ ए और बी तो हो नहीं सकता क्योंकि वो सिजाइल एनिमल्स नहीं होते। हाँ, अगर ए और सी होता तो फिर हम उसको चूज करते बोथ वाला ऑप्शन, बट यहाँ पे होगा कि सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होगा क्योंकि सबके पास शेल्स नहीं होते, बात मैंने आपको बताई थी, ऑक्टोपस के पास कोई शेल नहीं होता जो कि एक मॉलस्कन है। उसके बाद है डैश आर सेट टू बी द लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट्स विद 18 मीटर लेंथ एंड 1800 केजी इन वेट, तो ये होते हैं जायंट स्क्विड्स। उस वीडियो में मैंने आपको उसका रेफरेंस बताया था कि कहाँ लिखा हुआ है, बुक की लाइन नहीं है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेंटल फॉर्मुला ऑफ ह्यूमन, तो इसमें ऑप्शन ए जो है करेक्ट था, किस तरह से कि इंसिजर्स 2/2 होते हैं, उसके बाद कैनाइंस जो होते हैं 1/1 होते हैं, प्रीमोलर्स जो होते हैं 2/2 होते हैं, इसी तरह से मोलर 3/3 होते हैं, मल्टीप्लाई
फाइव बाई टू कर लेते हैं, यानी दोनों जॉज की बात कर लेते हैं तो 32 हो जाते हैं। ये करेक्ट डेंटल फॉर्मूला है, मैंने बताया था कि किस तरह से इसको ऑप्शन चूज करना होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइल, तो बाइल के अंदर वाटर होता है, बाइल सॉल्ट्स होते हैं लेकिन नो एंजाइम्स। तो उन्होंने पूछा था कौन सा नहीं होता, तो जाहिर सी बात है जिसमें लिखा हुआ है विद एंजाइम वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फिर अगला सवाल है फैट्स कैन बी डाइजेस्टेड ओनली व्हेन, तो मैंने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ तभी होते हैं जब वो इमल्सिफाइड होते हैं। ये भी आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है लाइन, इसका रेफरेंस भी इस वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्लड वेसल, तो आर्टरी होती है, कैपिलरी होती है, वेन होती है, सारी ब्लड वेसल्स होते हैं सिवाय लैक्टिल के जो कि लिम्फ वेसल होती है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ए ग्रैनुलोसाइट, तो ए ग्रैनुलोसाइट में जो है वो हमारे पास मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट आते हैं, बाकी सारे ग्रैनुलोसाइट है, तो सिर्फ मोनोसाइट जो हो गया वो ए ग्रैनुलोसाइट हो गया। न्यूट्रोफिल, इजनोफिल, बेसोफिल, ये ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। उसके बाद था अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल रिजल्ट्स इन, तो वो होता है ल्यूकीमिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीसेक्राइड, तो यहाँ पे जो है वो सेल्यूलोस, काइटिन और ग्लाइकोजन, ये तीनों पॉलीसेक्राइड थी, सक्रोज जो था वो एक डाइसेक्राइड था, ये आपने याद रखना। अगर आपको ये नहीं कन्फर्म कि काइटिन पॉलीसेक्राइड था या नहीं था, तो एटलीस्ट ये तो पता होगा कि सक्रोज एक डाइसेक्राइड है, इस तरह से भी आप बता सकते हैं कि ये पॉलीसेक्राइड नहीं है। क्वेश्चन 93 था चीफ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी इज, तो वो होता है ग्लाइकोजन। स्टार्च जो था वो प्लांट के अंदर होता है और एनिमल स्टार्च जो होता है उसको ग्लाइकोजन कहते हैं, वही स्टोर होता है एनिमल बॉडी के अंदर। उसके बाद था एसिड ग्लिसरॉल्स आर मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल्स एंड, और वो होते हैं फैटी एसिड या जो जनरली होते हैं वो थ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर ट्राइएसिल ग्लिसराइड्स बना लेते हैं जो नॉर्मल फैट होता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम, तो एंजाइम जो होते हैं वो लोअर करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, नॉन स्पेसिफिक नहीं होते, स्पेसिफिक होते हैं, उनको कोफैक्टर्स भी चाहिए होते हैं और ये इनहिबिट भी हो सकते हैं। वैसे बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। द सब्सटेंस विच विथ विच एन एंजाइम रिएक्ट्स इज कॉल्ड, तो मैंने आपको उस वीडियो में आदम जी वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पे रिएक्टेंट आंसर क्यों नहीं है और सब्सट्रेट आंसर क्यों है, तो यहाँ पे आंसर होता है सब्सट्रेट। उसके बाद था ट्राइपैनोसोमा इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्लास, ये एग्जाम्पल होती है फ्लैजिलेटर का जिसका दूसरा नाम मैस्टिगो 4 भी होता है। उसके बाद है अबाउट प्रोटोजोअन्स कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो प्रोटोजोअन्स जो थे वो ऑटोट्रॉपिक नहीं थे, वो सिर्फ हीटरोट्रॉपिक होते थे, जो मल्टी सेलर से यूनिसेलर हीटरोट्रॉप्स होते थे, तो जाहिर सी बात है ऑटोट्रॉपिक वाले ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं, बोथ ए और बी तो हो नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट था। उसके बाद था ह्यूमन डायसेंट्री इज कॉज्ड बाय, मैंने वहाँ पर आपको एम्यूबा लिखवाया था, जबकि इसका करेक्ट आंसर था एंट एम्यूबा, बोथ ए और बी नहीं होगा, बोथ बी और सी होता है तो वो शायद करेक्ट होता, बाकी ये कि जो एग्जैक्ट एजेंट है जो कि करवाता है ये ह्यूमन डायसेंट्री, इसके बारे में बुक में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा पेज नंबर 124 पे, सार्कोडिना की हेडिंग के अंदर सेकंड पैराग्राफ में ही वहाँ पे बताया हुआ है। बाकी जो डायसेंट्री जो जीआईटी डिसऑर्डर्स में दी हुई है वहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, वहाँ पे सिर्फ एम्यूबा का नाम लिखा हुआ था, यहाँ पे बताया हुआ था पेज नंबर 124 पे कि एंट एम्यूबा हिस्टोलॉटिका करवाता है। तो यहाँ पे आके होते हैं हमारे 99 एमसीक्यूज कंप्लीट टारगेट पेपर बाय सर मुनीप के। ठीक है, तो किसी को यहाँ पे कोई मसला हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। पेपर के लिए सबको ऑल द बेस्ट, थैंक यू।